शांति का राजा चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय येशु। इस चालीसे काल में आज के हमारे मनन चिंतन का विषय है शत्रुओं से प्रेम। जब लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उन्हें आदर, सम्मान और प्यार देना हम में से हर एक को भली भांति आता है। लेकिन जब लोग हमारे लिए बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं या बुरा करते हैं, तो उन्हें बदले में प्यार करना, सम्मान देना या उनका आदर करना हम सभी के लिए बहुत कठिन है। पवित्र बाइबल हमें बुलाता है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें। जो हमारे साथ बुरा करता है, हम भी कई बार चाहते हैं कि हम उस बुराई का बदला बुराई से लें। हम उनके साथ भी वैसा ही करें जैसा उन्होंने हमारे साथ किया है। लेकिन हम पवित्र वचन में संत पेत्रुस के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9 में पढ़ते हैं, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं दे बल्कि आशीर्वाद दे। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। जब हम दूसरों से घृणा करते हैं तो कई बार वही घृणा हमारे लिए पाप का कारण बनती है। हम दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, दूसरों को यह जतलाना चाहते हैं कि हम भी आपके साथ उतना ही बुरा कर सकते हैं जितना उन्होंने हमारे साथ किया है। और इसी कारण आज हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, एक भाई दूसरे भाई के विरुद्ध है, एक समाज दूसरे समाज के विरुद्ध है, एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध है, एक परिवार दूसरे परिवार के विरुद्ध है, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध है। क्योंकि हर एक चाहता है कि हम श्रेष्ठ बने। कोई भी एक दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहता। दूसरों से शत्रुता हमें तोड़ती है, किंतु दूसरों से प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है और उन सभी से भी जिनसे हम मिलते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं। पवित्र बाइबल शत्रुओं से प्रेम के बारे में एक और संदेश हमें देता है। जब जब हम अपने शत्रुओं से घिरे रहते हैं, शायद वह समय होता है जब ईश्वर हमारे जीवन में उनके द्वारा कार्य करना चाहता है, हमें पवित्र बनाना चाहता है, हमें उठाना चाहता है, हमें उसके कार्य में लगाना चाहता है, हमें मजबूत बनाना चाहता है। उसका यह उदाहरण हम पुराने विधान में साउल और गोलायत की कहानी में पढ़ते हैं। राजा साउल, जो इसराइलियों का एक नवयुवक और भेड़ों का चरवाहा था, और गोलायत, जो कि फिलिस्तियों का महापराक्रमी योद्धा था। राजा दाऊद ने उस पराक्रमी योद्धा को ईश्वर के बल पर हराया, किंतु गोलायत के द्वारा ईश्वर ने राजा दाऊद को महान बनाया। आज हमारे भी जीवन में कई ऐसे गोलायत होंगे जिनके द्वारा ईश्वर हमें महान बनाना चाहता है। हमें उन गोलायत को, उन दुश्मनों को अपने शारीरिक बल और किसी हथियार द्वारा नहीं हराना है, किंतु उन्हें प्रार्थना, भलाई एवं आशीर्वचनों द्वारा हराना है। जिस प्रकार हम पवित्र बाइबल में संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 और 28 में पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्यार वह सच्चाई है, वह ताकत है जिसके द्वारा यीशु मसीह ने संसार पर विजय पाई, अपने शत्रुओं पर विजय पाई। और उसका उदाहरण हम क्रूस पर टंगे यीशु के द्वारा देखते हैं, जब उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सबसे सुंदर जीवन वह है जो दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे, जो अपने दुश्मनों को आशीर्वाद दे। आज हम भी
इसीलिए बुलाए गए हैं अपने प्रार्थना, भले कार्यों और आशीर्वचनों द्वारा अपने शत्रुओं के लिए आशीष का माध्यम बने। तो आइए हम प्रार्थना करें। आज हम ईश्वर के सम्मुख उन सभी घावों, उन सभी दर्द को लेकर आएं जो दूसरों के द्वारा हमें मिले हैं, उन सभी दीवारों को जो हमने खड़ी की है एक दूसरे के बीच, एक परिवारों के बीच, और प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, अपने प्रेम और क्षमा के दान से हमें भर दे, ताकि हम दूसरों को माफ़ करते हुए आपके प्रेम और अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आमीन।